आगे चलते हैं. ब्लंट, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्लंट? ब्लंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा गाइस? ब्लंट का एंटोनिम क्या होगा? शार्प होगा, डल होगा, फ्रैंक होगा या फिर रूड होगा? बहुत सिंपल वर्ड है, आप अच्छे से जानते हैं. हाँ, आम माफी को कहते हैं. वेरी गुड. तो ब्लंट का एंटोनिम क्या होगा? शार्प होता है, डल होता है, फ्रैंक होता है, रूड होता है. रूड आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बंदा बहुत रूड है. अभी मैं बता रही थी हाउटी है. फ्रैंक मीन्स एज इट इज, जो मतलब फ्रैंक है, ओपन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है. डल मीन्स आप जानते हैं और शार्प ही आप जानते हैं. तो ब्लंट का मतलब होता है जैसे चाकू बहुत ब्लंट हो गया, मतलब नोकीला नहीं है. ब्लंट का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल नोक ना हो. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? समथिंग विच इज शार्प. इसका एंटोनिम हो जाएगा जो कि शार्प होता है. एंटोनिम हो जाएगा कोई चीज जो कि शार्प है. ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग. बेनेवोलेंस का सिनोनिम क्या होगा? व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंस? इलविल है, मॉर्बिडिटी है, काइंडनेस है या फिर विजन है? मैंने अभी आपको बताया था बेनेवोलेंस. बेनेवोलेंट वर्ड अभी पढ़ाया, गलत नहीं होना चाहिए. सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंस क्या होगा? इलविल है, मीन्स बुरी चाहत है किसी चीज के लिए. मॉर्बिडिटी है, बैड थिंकिंग है, मॉर्बिड होना, किसी के लिए बैड सोचना. विजन है या फिर काइंडनेस है. क्या हो जाएगा गाइस? क्या हो जाएगा बेनेवोलेंस का सिनोनिम? बेनेवोलेंट, बेने मीन्स जो दूसरों को परोपकारी होता है, ऑफकोर्स. तो जिसके अंदर काइंडनेस होती है, बेनेवोलेंस उसको कहते हैं. जिसके अंदर काइंडनेस होती है उसे हम बेनेवोलेंट व्यक्ति कहा कहते हैं, वो जो परोपकारी होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अपैथी वर्ड हम कर चुके हैं, मगर फिर भी आपका आ गया है तो इसका एंटोनिम बताना है. क्वेश्चन वर्ड ठीक है, सेम है, मगर आपके ऑप्शन अलग है. ठीक है, सेटिस्फैक्शन है, हेल्थ है, एंथुसियाज्म है या फिर डिसिप्लिन है? अपैथी का आपका एंटोनिम क्या होगा? सेटिस्फैक्शन, हेल्थ, एंथुसियाज्म या फिर डिसिप्लिन? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अपैथी? तो एंथुसियाज्म होगा. अपैथी का मतलब होता है इंडिफरेंट होना, है ना. अपैथी का मतलब होता है व्यक्ति जो कि इंडिफरेंट है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं, ना सुख ना दुख, मतलब इनडिफरेंट व्यक्ति को हम कहते हैं अपैथी, अपैथेटिक. और व्यक्ति हो जाएगा एंथुजियास्टिक होना, मतलब कि उसको फर्क पड़ रहा है, वो एक्साइटेड है, जो भी है, तो उसको फर्क पड़ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. बी लाइक, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बी लाइक? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बी लाइक? बी लाइक का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्पैरेज करना होता है, अंडर रेट करना होता है, इम्पॉसिबल होता है या फिर ड्वॉर्फ होता है? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बी लाइक? डिस्पैरेज मीन्स निंदा करना, अंडर रेट मीन्स अगेंस्ट किसी को लोअर कंसिडर करना, इम्पॉसिबल आप जानते हैं. और ड्वॉर्फ का मतलब होता है जिसकी हाइट, बोने को हम ड्वॉर्फ कहते हैं, बोने को हम ड्वॉर्फ कहते हैं. तो बी लाइक का एंटोनिम क्या होगा? बी लाइक का एंटोनिम क्या हो जाएगा? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बी लाइक? तो एंटोनिम हो जाएगा बी लाइक का इम्पॉसिबल. बी लाइक का मतलब देयर इज चांसेस ऑफ बीइंग समथिंग, मतलब कुछ होने के चांसेस हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी. तो बी लाइक इज पॉसिबिलिटी और एंटोनिम हो जाएगा इम्पॉसिबल होना. एंटोनिम हो जाएगा किसी चीज में इम्पॉसिबिलिटी होना. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. बिस्टोड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ बिस्टोड? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ बिस्टोड? बिस्टोड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्फर्ड है, अकोमोडेट है, ट्रस्टेड है या फिर विड्रॉन है? What is the synonym of bestowed? Confer करना होता है, accommodate करना होता है, trust करना होता है, withdraw करना होता है. Withdraw का मतलब आपको पता है, अकाउंट में आप विड्रॉ करते हो, सिंपल है. ठीक है, ट्रस्ट करना होता है, अकोमोडेट करना होता है, कहीं पे जाके रहना, अकोमोडेट कहीं पे किसी में, अकोमोडेट सिंपल वर्ड यार. कॉन्फर्ट का मतलब होता है प्रदान करना, है ना गाइस. कॉन्फर का मतलब होता है जब हम किसी चीज को प्रदान करते हैं. कॉन्फर होता है, कॉन्फर होता है. कॉन्फर का मतलब होता है प्रदान करना और कॉन्फर का मतलब होता है सहम, मतलब एक तरह से डिस्कशन करना, एग्रीमेंट होना. तो बिस्टो का मतलब होता है किसी चीज को प्रदान कर देना. बिस्टो का मतलब होता है जब किसी को कोई चीज प्रदान कर देते हैं, दैट इज बिस्टो. जैसे कि टाइटल उसको प्रदान कर दिया गया, कोई रिवॉर्ड हो गया, कोई गिफ्ट हो गया, तो बिस्टो कर देना. बोलते ना ये टाइटल उसको बिस्टो किया गया है, उसे प्रदान किया गया, कॉन्फर किया गया. ठीक है, तो ये वर्ड उस हिसाब से हो जाएगा. नेक्स्ट गाइस, एंटोनिम बताना है अलाउ का. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अलाउ? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अलाउ? परमिट करना होता है, फॉरबिड करना होता है, अवॉइड करना होता है या फिर रिकवर करना होता है? जल्दी से बताएंगे कि अलाउ का एंटोनिम क्या होता है. परमिट करना होता है, फॉरबिड करना होता है, अवॉइड करना होता है या रिकवर करना होता है? रिकवर आप जानते हैं, ना, जैसे हम डेटा रिकवर करते हैं, वापस हासिल करते हैं. अवॉइड मीन्स छोड़ देना, फॉरबिड मीन्स जान देना, और परमिट मीन्स परमिशन देना. ठीक है, फॉरबिड का मतलब रोकना होता है, सॉरी, फॉरबिड का मतलब होता है रोकना, फॉरबिड करना मीन्स मना करना, और अलाउ का मतलब, परमिट का मतलब होता है जाने देना. ठीक है, तो अलाउ का मतलब होता है एक तरह से परमिशन दे देना. अलाउ करना मीन्स किसी को परमिट करना, और एंटोनिम होगा किसी को रोकना, फॉरबिड करना, है ना गाइस. एंटोनिम फॉरबिड वर्ड आपने सुना होगा, किसी को फॉरबिड करना मीन्स किसी को रोकना. जितने भी स्टूडेंट्स नए आए हैं चैनल में, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आप लोगों को हर क्लास के
नोटिफिकेशन मिलते रहे। जितने भी स्टूडेंट्स नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप लोग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसाइलिएटरी। गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, फिर मुझे लगता है कि यार मेरी फैमिली DWP की बढ़ेगी कब, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। कंसाइलिएटरी का सिनोनिम क्या होगा? फुलिश होता है, सूदिंग होता है, एडवाइजरी होता है या फिर ओवर प्राउड होता है। कंसाइलिएटरी का सिनोनिम क्या होता है? फुलिश मीन्स बेवकूफ हो जाएगा, सूदिंग मीन्स एक तरह से काम, सूदिंग रिलैक्सिंग मीन्स पैसिफाई करना, एडवाइसरी एक तरह से एडवाइस करना, सलाह सहमति वाली बात होती है, और ओवर प्राउड तो आप जानते हैं। तो कंसाइलिएटरी का मतलब होता है, कंसाइलिएट करने का मतलब तो किसी से आपसी सहमति बनाना, ठीक है। कंसाइलिएटरी का मतलब होता है सूदिंग होता है, मैं गलत कर रही हूँ, कंसाइलिएटरी का मतलब होता है सूदिंग, मेरी स्पीड देख रहे हो, कंसाइलिएटरी का मतलब होता है सूदिंग होना, पैसिफाई करना, कंसाइलिएटरी का मतलब होता है पैसिफाई करना, सूद करना, ठीक है, पैसिफाई करना, सूद करना, दैट इज योर कंसाइलिएटरी, ओके। कंसल्ट हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा, कंसल्ट से रिलेटेड हो जाएगा कंसाइलेटरी, ठीक है जी। बैंड वैगन एंटोनिम हो जाएगा, बैंड वैगन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनकंडीशनल सपोर्टिंग है, अपोजिंग है, लॉबिंग है या फिर इन्फ्लुएंसिंग सिग्निफिकेंटली। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बैंड वैगन? बैंड वैगन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बैंड वैगन? बैंड वैगन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनकंडीशनल सपोर्ट है, अपोज है, लॉबिंग है या फिर इन्फ्लुएंस कर रहे हो बहुत ज्यादा। तो एंटोनिम क्या होता है बैंड वैगन का? एंटोनिम होता है बैंड वैगन का अपोज करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा बैंड वैगन का कि इसका अपोज करना, इसका सिनोनिम, इसको ऐसे करना बैंड, उसका बैंड बजाना, मतलब कि एक तरह से उसी की बहुत ज़्यादा, उसको बहुत अनकंडीशनली सपोर्ट करना, किसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, उसे हम कहते हैं बैंड वैगन। मतलब होता है सब लोग उसके पीछे लग जाना, मतलब जैसे होता ना कि सब अपनी एक तरह से उसके पीछे ही चल रहे हैं, जैसे कोई भी चीज़ चल जाए, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल इसका ये कि कोई भी वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है फिर सब उसी पर वीडियो बना रहे, तो दैट इज बैंड वैगन, सब उसके पीछे लग जाते हैं, उसे बैंडवैगन कहा जाता है। और एंटोनिम हो जाएगा अपोज करना। तो पहले चार पांच दिन एक हफ्ते तक लोग बैंडवैगन बन जाते हैं, फिर कुछ नए लोग निकल के आते हैं उसमें से कि बोलते हैं नहीं 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 हम इसके, फिर उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। तो ये तो ट्रेंड है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बहुत चलता है। नेक्स्ट, अमलगमेट हम कर चुके हैं मगर इसका ऑप्शंस अलग है। अमलगमेट में हम वर्ड कर चुके हैं मगर ऑप्शंस अलग है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि 100% एक्यूरेसी से आप देते हो या नहीं, ठीक है। मर्ज करना, कौन सेक्रेट करना, इम्पोवरिश या फिर स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है अलग करना, स्प्लिट करना। इम्पोवरिश का मतलब आपको पता है, इम्पोवरिश वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इम्पोवरिश का मतलब होता है गरीब, है ना। इम्पोवरिश का मतलब होता है वन हु इज़ गरीब। गरीब के लिए वर्ड आपका पॉपर भी आता है, ठीक है, पॉपर वर्ड भी आता है, पॉपर का आपका हो जाता है इम्पोवरिश, गरीब होना, पॉवर्टी होना, पॉवर्टी से बना हुआ है, ठीक है। तो हमने वर्ड पढ़ चुके हैं। अमलगमेट का मतलब होता है मर्ज करना, कॉन्सिक्रेट करना मीन्स किसी को मिक्स करना। अभी पढ़ा था अमूल जैम को दूध में मिक्स करना, इस टाइप से हमने ड्रिंक बनाया था। और एंटोनिम हो जाएगा किसी चीज़ को स्प्लिट करना, अलग करना। एंटोनिम हो जाएगा किसी चीज़ को स्प्लिट करना, अलग कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। कॉन्क्लेव, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्क्लेव? प्राइवेट मीटिंग है, सेमिनार है, प्रोसेशन है या फिर पार्टी है? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्क्लेव? कॉन्क्लेव का सिनोनिम गाइस क्या होता है? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्क्लेव? प्राइवेट मीटिंग है, सेमिनार है, प्रोसेशन है या फिर पार्टी है? जल्दी से बताएंगे, सिंपल क्वेश्चन, और आप लोग पोल में भी आंसर दोगे। पोल में आंसर देने से ना एक ही होता है कि हाँ भैया हमारा यही आंसर है, हमने इसी को फाइनल किया। तो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्राइवेट मीटिंग आप जानते हैं, सेमिनार आप जानते हैं, प्रोसेशन का मतलब आप जानते हैं, और प्रोसेशन का मतलब होता है जैसे कि यात्रा निकल रही होती है, यात्रा निकलती है किसी चीज़ की, तो उसे हम प्रोसेशन कहते हैं, ओके गाइस। और पार्टी आप जानते हैं, तो मैंने आपको ये वर्ड कराया था कावड़ से, है ना गाइस। तो कॉन्क्लेव का मतलब हो जाएगा आपका, कॉन्क्लेव का मतलब हो जाएगा प्राइवेट मीटिंग होना, ठीक है। कॉन्क्लेव का मतलब हो जाएगा आपकी प्राइवेट मीटिंग, जब लोग एक जगह मिल के डिस्कशन कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं, जब एक साथ लोग इकट्ठे हो रहे हैं उसे हम कहते हैं प्राइवेट मीटिंग। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। बॉयस्टर्स का एंटोनिम क्या होगा? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बॉयस्टर्स? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बॉयस्टर्स? बॉयस्टर्स का एंटोनिम क्या होता है? सीरीन होता है, ट्यूमल्टस होता है, ब्राजन होता है या फिर ओपेक होता है? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बॉयस्टर्स? ये वर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है तो ध्यान रखना। सीरीन का मतलब होता है, सीरीन का मतलब होता है शांत होता है, प्लेसिड होता है, काम होता है, रिलैक्स्ड होता है। ट्यूमल्टस का मतलब होता है बहुत ज्यादा उथल पुथल होना, ट्यूमल्टस। ब्राजन का मतलब होता है उद्दंड होना, बहुत ज्यादा रूड व्यक्ति होता है। ब्राजन मीन्स बहुत ज्यादा, बोलते ना कई लोग बहुत रूड रिप्लाई करते हैं, एकदम उद्दंड टाइप के लोग होते हैं। और ओपेक का मतलब होता है जो प्रॉपर
ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट होता है ओपेक. तो बॉयस्ट्रस का एंटोनिम क्या होगा गाइस? बॉयस्ट्रस का एंटोनिम हो जाएगा सीन. बॉयस्ट्रस का मतलब होता है ब्रेजन वन, जो बहुत ज्यादा घमंडी होता है बॉयस्ट्रस होता है, ठीक है. और एंटोनिम हो जाएगा बहुत ज्यादा शांत होना. बॉयस्ट्रस का एक तरह से शोरगुल भी कह सकते हैं. बॉयस्ट्रस का मतलब होता है वन इज वेरी रूड, उसे भी कह सकते हैं, ठीक है. और एंटोनिम हो जाएगा आपका सीरीन है, काम है, प्लासिड है, शांत है. कैवलकेड गाइस, कैवलकेड का हम कह रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे अभी, तो कैवलकेड का सिनोनिम क्या होगा, ठीक है. वहां पे कॉन्क्लेव था. कॉन्क्लेव का मतलब होता है प्राइवेट मीटिंग. कॉन्क्लेव का मतलब होता है प्राइवेट मीटिंग. तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बीच में हो जाती हूँ इस पे. तो कॉन्क्लेव का मतलब होता है प्राइवेट मीटिंग, ठीक है. कैवलकेड का मतलब क्या होता है? प्रोसेशन होता है. एप्रीहेंशन का मतलब होता है एंजाइटी होना, बेचैनी होना, ठीक है. एप्रीहेंशन का मतलब होता है जब आपको बेचैनी हो रही होती है, दैट इज एप्रीहेंशन. बार्गेन आप जानते हैं. रिमिशन का मतलब होता है रिमिट कर देना, छोड़ देना, ठीक है. तो कैवलकेड का सिनोनिम क्या है? व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ कैवलकेड? कैवलकेड का सिनोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोसेशन है, एप्रीहेंशन है, बार्गेन है, या फिर रिमिशन है. तो मैंने आपको अभी कह रही थी कावड़ से करवाया था कि कावड़ियों की क्या जाती है? कावड़ियों की यात्रा जाती है. तो मैंने ट्रिक से करवाया था इसको कि कावड़ियों का प्रोसेशन जाता है, यात्रा जाती है. जो कौन सा मौसम टाइम होता है वो सावन के टाइम पे कैवलकेड जाती है, कावड़ियों की कैवलकेड जाती है, प्रोसेशन जाती है, ठीक है. ये वर्ड हम कर चुके हैं. कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड का सिनोनिम बताओगे वाइस? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्ट्राबैंड? बैंड गुड्स है, कस्टम इंस्पेक्टर है, मनी बेल्ट है, या फिर लैटिन म्यूजिकल ग्रुप है, ठीक है. चलो बता दो गाइस क्या होगा. बहुत सिंपल वर्ड है. कॉन्ट्राबैंड का सिनोनिम क्या होता है? बैंड गुड्स है, कस्टम इंस्पेक्टर है, मनी बेल्ट है, या फिर आपका लैटिन म्यूजिकल ग्रुप है. जितने भी स्टूडेंट्स नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. बार बार बोल रही हूँ, भूल जाती हूँ ना इसलिए. कॉन्ट्राबैंड का सिनोनिम क्या होगा? कॉन्ट्राबैंड मतलब बैंड है भैया, बैंड है. कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब बचपन में गेम खेला करते थे, कॉन्ट्रा मुझसे कभी पार नहीं हुआ, अलग बात है. तो कॉन्ट्रा मीन्स किसी का विरोध करना होता है. तो कॉन्ट्रा करके मतलब विरोध करके उसको बैन कर देना. हमारे इंडिया में चीज़ें बैन हो जाती है, जैसे कोई स्टोरी या फिर कोई बुक्स, तो बैन होती रहती है. तो कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है किसी चीज़ को, आप बैंड गुड्स को कॉन्ट्राबैंड कहते हैं. ध्यान रखना गाइस, कंफ्यूज मत होना. बैंड वैगन मतलब किसी के पीछे लग जाना होता है. बैंड वैगन मींस किसी के पीछे लग जाना हो जाता है, और कॉन्ट्राबैंड मींस किसी को बैन करना होता है. कंफ्यूजन हमें हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है. ध्यान रखना कंफ्यूज ना होए आप, ठीक है. अपियर का एंटोनिम क्या होता है? डिजॉल्व करना, टर्न डाउन करना, ओवरलुक करना, या फिर वैनिश करना. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अपियर? वैनिश का मतलब होता है गायब. एक आपका दाग बहता है ना, वैनिश. ओवरलुक का मतलब ऊपर ऊपर से ओवरव्यू करना, ध्यान मतलब सरसरी निगाहों से देखना. टर्न डाउन मीन, टर्न डाउन मीन्स रिजेक्ट कर देना. टर्न डाउन आपका फ्रेजल वर्ब है. टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना. आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट टर्न डाउन हो चुकी है, रिजेक्ट हो चुकी है. और डिजॉल्व का मतलब होता है कोई चीज़ घुल जाना एक तो, या फिर एंड कर देना. डिजॉल्व होता है ना, मीटिंग डिजॉल्व हो गई, मतलब मीटिंग खत्म हो गई, ठीक है. तो अपियर का एंटोनिम बहुत सिंपल. अपियर का मतलब होता है उभरना, और एंटोनिम हो जाएगा आपका वैनिश, गायब, ठीक है. एंटोनिम हो जाएगा गायब एकदम. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजन. मैं ये वर्ड बता चुकी हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए. एंटोनिम बताएंगे ब्राजन का क्या होगा. बोल्ड होता है, मेड ऑफ ब्राज होता है, मेड ऑफ कॉपर होता है, शायद. कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना ही सिंपल क्वेश्चन है. बता दो इस ब्राजन का एंटोनिम क्या है? बोल्ड है, मेड ऑफ ब्राज है, मेड ऑफ कॉपर है, या फिर शाय है, ठीक है. अभी हमने पढ़ा था ब्राजन का मतलब होता है वन इज वेरी रूड. ब्राजन किसे कहते हैं? व्यक्ति जो बहुत रूड होता है. व्यक्ति जब बहुत रूड होता है उसे हम ब्राजन कहते हैं. व्यक्ति जब बहुत रूड होता है उसे हम ब्राजन कहते हैं. इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? शाय, है ना. इसका एंटोनिम हो जाएगा शाय. इसका वर्ड हमने जो गलत कर दिया था, बैशफुल होगा. शाय का मतलब बैशफुल हो जाता है, कॉय भी हो जाता है. कॉय भी कहते हैं उसको. शाय होना, कॉय होना, बैशफुल होना मतलब शर्मीला होना. क्या है, कितना शर्मीला लड़का है, वाह. यही ना बात. कंड्यूसिव गाइस, कंड्यूसिव का मुझे बता दो सिनोनिम क्या होगा. मॉर्नफुल है, फेवरेबल है, रिग्रेटफुल है, या फिर चीयरलेस है. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंड्यूसिव? मॉर्नफुल का मतलब मौन करना, मीन्स एक तरह से किसी के लिए बहुत ज्यादा शोक भरा होना, दैट इज मॉर्नफुल. फेवरेबल मीन्स किसी चीज के लिए लाभदायक होना. रिग्रेट आप जानते हैं कि किसी चीज के लिए रिग्रेट करना. और चीयरलेस होना मीन्स दुखी होना, उदास होना, चीयरलेस हो जाना. ओके, तो कंड्यूसिव का सिनोनिम क्या होगा? कंड्यूसिव का मतलब होता है, कंड्यूसिव का मतलब तो कोई चीज आपके लिए फेवरेबल है, कंडक्ट करने के योग है, तो ये कंड्यूसिव है ना गाइस. ये मीटिंग कंडक्ट करने के लिए या फिर ये पार्टी कंडक्ट करने के योग्य है, तो ये, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए फेवरेबल है, ये हमारे लिए लाभदायक है. ये मीटिंग हमारे लिए, चीज हमारे
हमारे लिए फेवरेबल है, लाभदायक है. अफेबल का एंटोनिम गाइस क्या होगा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अफेबल. अफेबल का एंटोनिम क्या होता है, हार्ड वर्किंग होता है, रेक्लूस होता है, चार्मिंग होता है या फिर इम्पोलाइट होता है. अफेबल का आप लोग मुझे बताओगे एंटोनिम क्या होगा, हार्ड वर्किंग है, रेक्लूस है, चार्मिंग है या फिर इम्पोलाइट है. ठीक है, जो पोलाइट व्यक्ति नहीं, जो रूड है, ब्राजन है, उद्दंड है, हाउटी है, है ना गाइस, जो इसमें बहुत ज़्यादा रूड है तो उसमें कहते हैं इम्पोलाइट. चार्मिंग आप जानते हो, बड़े अच्छे से जानते हो. रेक्लूस कौन होते हैं, रेक्लूस पर ध्यान रखना. रेक्लूज हम उसे कहते हैं जो लोगों के क्लोज नहीं रहते, मतलब कि जो हमने ऑस्टियर वर्ड किया था, ऑस्टियर आपका रेक्लूज दोनों सिनोनिम है. और रेक्लूज होते हैं जो लोगों के क्लोज नहीं, जो मोह माया से दूर रहते हैं, दुनियादारी छोड़ देते हैं और जीवन को शांति से व्यतीत करते हैं, दे आर रेक्लूज, हार्ड वर्किंग आप जानते हैं. अफेबल का एंटोनिम, अफेबल का मतलब होता है वन इज वेरी फ्रेंडली. अफेबल का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत फ्रेंडली होता है उसे अफेबल कहते हैं. इसका एंटोनिम हो जाएगा जो पोलाइट नहीं है, है ना गाइस, जो बहुत फ्रेंडली और बड़े प्यार से बात करता है उसे हम अफेबल कहेंगे. अफेबल एमिएबल, अफेबल आता है, एमिएबल होता है, केबल आता है, मतलब व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्रेंडली है. एंटोनिम हो जाएगा ब्राजन, रूड, पोलाइट, मतलब कि हाउटी, बहुत घमंडी और बहुत ज्यादा रूड बात करने वाले को हम कह सकते हैं. नेक्स्ट, बीसीज का एंटोनिम क्या होगा गाइस, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बीसीज. बेग करना है, इम्प्लोर करना है, इम्पोज करना है या फिर सॉलिसिट करना है. चलो गाइस बता दो, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बीसीज. बीसीज का एंटोनिम क्या होता है, बेग करना होता है किसी के सामने, इम्प्लोर करना होता है, इम्पोज करना होता है या फिर सॉलिसिट करना होता है. क्विक क्विक आंसर देते जाओ, पोल में आंसर देते रहोगे तो तुम लोगों को भी मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में. और स्पीड तो देख लो, आपको देख ही रहे हो क्या स्पीड हमारी. ठीक है, सॉलिसिट करना, इम्पोज करना, इम्प्लोर करना या फिर बेग करना. तो बेग बीसीज का एंटोनिम क्या है, बीसीज का एंटोनिम हो जाएगा आपका एक तरह से इम्पोज करना, क्योंकि सॉलिसिट करना, इम्प्लोर करना, बेग करना आपके ऑड वन आउट्स हैं, क्लियर क्लियर आंसर है, मतलब कि किसी से बहुत ज़्यादा आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना. सॉलिसिट करना, इम्प्लोर करना, इम्प्लोर करने का मतलब ही इसको ऐसे रखना फ्लोर में लिट लिट के, जब हमें चॉकलेट चाहिए तो मम्मी से फ्लोर में लिट जाता है, मुझे चाहिए, है ना गाइस. तो इम्प्लोर करना मीन्स बहुत रोना धोना, बहुत बेग करना एक तरह से कि प्लीज दिला दो. सॉलिसिट करना और इम्पोज मीन्स ज़बरदस्ती उस पर थोप देना कि बेटा अब तो यही करना पड़ेगा, यही चलेगा. ठीक, कैटी, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैटी. कैटी का सिनोनिम क्या होता है, डेस्टिट्यूट होता है, कॉम्पिटेंट होता है, विशियस होता है या प्रोटेक्टेड होता है. व्हाट इज द एंटोनिम, सिनोनिम ऑफ कैटी. कैटी का सिनोनिम पूछा है, डेस्टिट्यूट होता है, कॉम्पिटेंट होता है, विशियस होता है, प्रोटेक्टेड होता है. डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब, अभी मैंने पढ़ाया था आपको इम्पोवरिश, अभी मैंने आपको ये वर्ड पढ़ाया था, इम्पोवरिश्ड होता है, पॉपर होता है. तो जहाँ जो बहुत गरीब होता है उसे हम कह सकते हैं डेस्टिट्यूट, गरीबी को कहते हैं डेस्टिट्यूट ना, जो गरीब है उसे हम डेस्टिट्यूट कह सकते हैं. कॉम्पिटेंट मतलब होता है वन इज निपुण, डेक्स्ट्रस होना, डेक्सट्रिटी होना, कॉम्पिटेंसी होना. विशियस मीन समथिंग विच वेरी बैड, मैंने अभी पढ़ाया था, विशियस का मतलब होता है कोई चीज़ बुरी है, खराब है. और प्रोटेक्टेड तो आप जानते हैं, तो कैटी बोलते हैं ना यार ये बहुत ज़्यादा, है ना गाइस, बहुत ज़्यादा विशियस, ये बहुत ज़्यादा बैड है. तो कैट की तरह मतलब ये काट खाएगा, सच बोल की काला कहाँ से कौन सा गाना दिमाग है, शिट, है ना, सच बोल की काला कहाँ काट खाएगा, मतलब काट खाएगा ये, यहाँ पे आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, आपने बना लिया होगा खुद ही ट्रिक, मैं क्या बोलूँगी. एक्यूरेसी का एंटोनिम क्या होगा गाइस, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, उसको हम कहते हैं राइट, करेक्ट, फॉल्ट या फिर ट्रू. What is the antonym of accuracy? Accuracy का antonym क्या होता है, right होता है, correct होता है, fault होता है या फिर true होता है, जल्दी से answer बताओगे. True आप जानते हो, fault simple words है, ये तो आपको word में discussion वाली बात ही है. तो fault गलती, है ना, आपका antonym क्या हो जाएगा, antonym क्या हो जाएगा, fault, ये word तो आप जानते हैं, बहुत simple है. Next question पे आ जाते हैं, banality, what is the antonym of banality. Banality का antonym क्या होगा, detailed analysis है, novel expression है, unrehearsed statement है या फिर brief account है. What is the antonym of banality? Banality का antonym क्या होगा, बहुत अच्छा word exam में आता है. तो detail analysis करें, novel expression, novel का मतलब है नया, novel का मतलब जैसे novel coronavirus, novel means new, okay? Unrehearsed statement या फिर unrehearsed statement है या फिर brief account है. तो क्या हो जाएगा, banality का antonym क्या होगा. Banality बनाना, मैंने आपको कराया था बनाने से इसको याद करना. Banality means something which is very common, बहुत घिसी पिटी बात है. ठीक है, तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा घिसी पिटी है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज्ड है, हैकनेड है, तो उसमें हम कहते हैं बनालिटी. एंटोनिम इसका हो जाता है आपका नोवेल, न्यू. एंटोनिम हो जाएगा इसका नोवेल एक्सप्रेशन, मतलब कोई चीज़ नई है. एंटोनिम हो जाएगा नोवेल एक्सप्रेशन मीन्स न्यू. तो बनालिटी का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ओवर यूज्ड है, बहुत कॉमन है, कॉमन वाली चीज़ है. ठीक है,
चलो एग्रीमेंट का एंटोनिम बहुत सिंपल है. एग्रीमेंट का एंटोनिम बताता है डिसेंशन है, हार्मनी है, रिफ्यूजल है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है. बहुत अच्छे कंफ्यूजिंग वर्ड्स है. तो एंटोनिम बताओगे एग्रीमेंट का एंटोनिम क्या है. डिसेंशन है वहाँ पे डिसेंशन है, वहाँ पे हार्मनी है, वहाँ पे रिफ्यूजल है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है. तो एग्रीमेंट का एंटोनिम क्या लगा रहे हो आप लोग. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एग्रीमेंट. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एग्रीमेंट. एंटोनिम ऑफ एग्रीमेंट गाइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिसेंशन. मैंने इसीलिए बोला रिफ्यूज करना या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा. देखो एग्रीमेंट सहमति का मतलब होता है असहमति. कोई व्यक्ति आपसे सहमत है, कोई व्यक्ति आपसे सहमत नहीं है. कोई व्यक्ति आपसे सहमत हुआ, कोई व्यक्ति आपसे सहमत नहीं हुआ, ठीक है. तो आपका ये वर्ड हो जाएगा डिसेंशन. सहमति का ऑपोजिट हो जाएगा डिसेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कैटरवॉल गाइस. कैटरवॉल का सिनोनिम क्या होता है. व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ कैटरवॉल. व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ, अरे यार, व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ कैटरवॉल. What is the synonym of cattle wall? Cattle wall का synonym क्या होगा, serve करना, howl करना, scribble करना या फिर salute करना. What is the synonym of cattle wall? Cattle wall का synonym फटाफट बता दोगे. Salute आप जानते हैं, howl का मतलब होता है चिल्लाना. हाउल करना मीन जोर जोर से चिल्लाना. सर्व किसी को सर्व करना किसी की तरफ एक तरह से. और स्क्रिबल का मतलब होता है जैसे हम लोग स्क्रिबल करते हैं बचपन में, ऐसे घसीट घसीट के लिखते थे, ड्राइंग भी करते थे, स्क्रिबल करते थे. दैट इज स्क्रिबल करना, है ना गाइस. ऐसे आपको याद है पेंसिल कलर से, याद आ रहा है पेंसिल कलर से हम लोग स्क्रिबल किया करते थे, ठीक गाइस. तो कैटर वॉल का मतलब होता है, कैटर वॉल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हाउल करना, चिल्लाना, है ना गाइस. तो आउल, आउल बहुत ज़्यादा हाउल करता है, आउल चिल्लाता है ना, आउल की आवाज़ आती है, मैंने सुनी उन्हें नहीं है, मेरे को नहीं पता, है ना गाइस. तो आउल और कैटर वॉल से ऐसे कुछ कनेक्शन बना सकते हैं कि इसको ऐसे कर लो, कोई काट दे रहा है तो बंदा हाउल करता है, कोई काट दे तो कैटरवॉल करता है, हाउल करता है, आ उ ई, कुछ भी काट दे, चीटी टी भी काट दे तो बंदा कैटरवॉल करता है, हाउल करता है. चलो ट्रिक्स में आपको कभी जब पढ़ाऊंगी तब ट्रिक्स बताऊंगी, ठीक है. एनिमेटेड का एंटोनिम क्या होगा. एनिमेटेड, ये तो वर्ड आप जानते हो, एनिमेशन आप लोग बहुत यूज करते हो और बहुत सुना भी आपने ये वर्ड. तो एनिमेट का, एनिमेटेड का एंटोनिम क्या है. पेनिट्रेट है, मॉडर्न है, डल है या फिर सिमिलैरिटी है, ठीक है. एनिमेट का एंटोनिम क्या है. आप जानते हैं सिमिलैरिटी मीन्स सेम होना, डल मीन्स कोई चीज़ डल हो जाती है, मॉडर्न आप जानते हैं, और पेनिट्रेटिंग, कोई पेनिट्रेट का मतलब है कोई चीज़ आर पार हो जाए, जैसे कि जो तीर होता है आर पार चला जाता है, पेनिट्रेट हो जाना मतलब कहीं से घुस जाना, ठीक है. तो एनिमेटेड का एंटोनिम क्या है. एनिमेटेड का एंटोनिम क्या है. एनिमेटेड हम उसको कहते हैं जो चीज़ अलाइव हो जाती है. नॉन लिविंग थिंग को जब हम अलाइव दिखा देते हैं उसे हम एनिमेट कहते हैं, उसमें जिंदगी दिखाते हैं. एंटोनिम हो जाएगा कोई चीज़ डल है और उसमें कोई भी एनिमेटेड मीन्स डल है ना. अभी एनिमेशन मूवीज तो मतलब कोई चीज़ लाइफलेस है उसको भी हम एंटोनिम कह सकते हैं. बहुत ज़्यादा डायरेक्ट वर्ड नहीं है, मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. बर्जियोनिंग का एंटोनिम क्या होगा. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बर्जियोनिंग. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बर्जियोनिंग. फ्लरिशिंग है, लॉस मेकिंग है, डिक्लाइनिंग है या फिर डिस्ट्रेसिंग है. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बर्जियोनिंग. डिस्ट्रेसिंग मतलब परेशान होना, डिस्ट्रेस्ड परेशान हो जाना. डिक्लाइन मीन्स कम होना, ये आप जानते हैं अच्छे से. लॉस मेकिंग आप जानते हैं कोई चीज़. फ्लरिशिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो करे. फ्लरिशिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, फ्लरिश हो रही है. तो बर्जियोनिंग का एंटोनिम क्या होगा. बर्जियोनिंग का एंटोनिम आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बर्जियोनिंग. बर्जियोनिंग का एंटोनिम क्या हो जाएगा. तो एंटोनिम हो जाएगा इसका बेटा डिक्लाइनिंग. बर्जियोनिंग का मतलब होता है कोई चीज़ ग्रो हो रही है ना गाइस, एकदम शुरू से ग्रो हो रही है, उसे हम कहते हैं बर्जियोनिंग. कोई चीज़ का ग्रोथ होने को कहते हैं बर्जियोनिंग. और एंटोनिम हो जाएगा कोई चीज़ डिक्लाइन हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, ठीक है. बर्जियोनिंग का मतलब हो जाएगा ग्रोथ होना, ग्रो होना, आपका फ्लरिशिंग होना. और एंटोनिम हो जाएगा डिक्लाइन होना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. काजोल, है ना गाइस. काजोल का, काजोल वो वाली काजोल नहीं है, मगर वर्ड है आपका कजोल, वर्ब है. टू स्कॉन करना, टू क्वैक्स करना, टू स्कोल करना या रिडिक्यूल करना. रिडिक्यूल का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, है ना. रिडिक्यूल का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ा रहे हो. स्कॉन का मतलब किसी को बुरा भला कह रहे हो, ठीक है. स्कोल का मतलब किसी को डांट कर रहे हो, या क्वैक्स का मतलब होता है किसी को बेवकूफ बना रहे हो. तो कजोल का, क्वैक्स का मतलब हो जाएगा किसी की चापलूसी कर रहे हो. सॉरी, क्वैक्स का मतलब होता है किसी की चापलूसी कर रहा. किसी कह रहे कि आप कितने अच्छे हैं, महान हैं आप पुरुष नहीं, महापुरुष हैं, महापुरुष, है ना गाइस. तो महापुरुष कहना किसी को बहुत अच्छा मान लेना. तो किसी की साइको फैंसी, वर्ड आ जाता है एग्जाम में, साइको फैंसी होना मतलब किसी को
चापलूसी कर रहा। तो काजोल तो हमने ये वाला ट्रिक किया था, ऐसे पढ़ा था कि काजोल को आप अजय देवगन को देख के तो समझ में आ जाता कि उसने बहुत काजोल की तारीफ की होगी, बहुत ज़्यादा चापलूसी की होगी, तब जाके मानेंगे चल ठीक है मैं इधर से शादी कर लेती हूँ, है ना गाइस। तो अजय देवगन ने बहुत ज़्यादा वो पाइप में चला वाला होगा इस टाइप का कुछ काजोल वाला काजोलमेंट किया होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा चापलूसी की होगी तब जाके उसका मामला सेट हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने ट्रिक से किया था जब मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, तो मैंने ऐसे पढ़ाया था, हम लोग बनाते रहते कुछ कुछ। एंटोनिम क्या हो जाएगा गाइस एसेट का, कल भी हमने डिस्कस किया था एंटोनिम क्या होता है एसेट का, क्रेडिबिलिटी है, लाइबिलिटी है, पॉवर्टी है या फिर प्रॉस्पैरिटी है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एसेट। प्रॉस्पैरिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा समृद्धि ना, पैसा ही पैसा होगा वाली बात है कि अलग अलग, प्रॉस्पैरिटी दिन दुगनी रात चौगनी वाली बात। पॉवर्टी का मतलब गरीबी, इम्पोवरिश हो जाना, डेस्टिट्यूट हो जाना पड़ा है। लाइबिलिटी का मतलब होता है कोई हमारी जिम्मेदारी है, मुसीबत है, कर्ज वर्ज ले रखा है। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है आपकी क्रेडिबिलिटी है, मीन्स आप पे कोई चीज़ विश, क्रेडिबिलिटी होना मीन्स एक तरह से आपके एसेट भी कह सकते, क्रेडिबल होना मीन्स जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं लाइक दैट, और उस पर आपकी जिम्मेदारी के लिए भी कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी, मीन्स आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं। तो एसेट का एंटोनिम हो जाता है लाइबिलिटी। जो लोग कॉमर्स पढ़े वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, हम लोग का बैलेंस शीट बनता था एक तरफ एसेट एक तरफ लाइबिलिटी, या आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो अपने हैं, जो हमारे पास पैसा है वो एसेट है, जो हमको देना है वो हमारी लाइबिलिटी है। तो ये आपका अकाउंट्स की याद आ गई थोड़ी सी। एम्बिगस का एंटोनिम क्या होता है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एम्बिगस, वर्ड कर चुके हैं गलत नहीं होना चाहिए, बहुत फेवरेट वर्ड है एसएससी का। एक्सप्लिसिट है, इक्विवोकल है, डिस्पैरिटी है या फिर कंफ्यूजिंग है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एम्बिगस, एम्बिगस का एंटोनिम क्या है। कंफ्यूजिंग आप जानते हैं, कंफ्यूजिंग जो आपको पजल कर दे, बैफल कर दे। डिस्पैरिटी है ना, जहाँ पे सिमिलर, जहाँ पे डिस्पैरिटी मीन्स कहीं पे सहमति ना हो कहीं से। ओके गाइस, इक्विवोकल या फिर एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट हम वर्ड अभी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट होना, एक्सप्लिसिट का मतलब तो कोई चीज़ स्पष्ट होना, एम्बिगस का मतलब तो कोई चीज़ धुंधली होना, हमें अभी पढ़ा था एम्बिगस का मतलब होता है कोई चीज़ धुंधली है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, कोई चीज़ स्पष्ट है। एम्बिगस का मतलब होता है कोई चीज़ धुंधली है, हेजी है, मिस्टी है, फॉगी, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ में, और एंटोनिम हो जाएगा स्पष्टता है किसी चीज़ में। एक्सप्लिसिट है अपेरेंट है, एक्सप्लिसिट है कोई चीज़ एक्सप्लिसिट है, अपेरेंट है स्पष्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्लेमेंसी, what is a synonym of clemency, empathy है, kindness है, sympathy है या फिर forgiveness है। अच्छा वर्ड है गाइस, क्लेमेंसी का synonym क्या है, empathy है वहाँ पे, kindness है, sympathy है या फिर forgiveness है। what is a synonym of clemency, क्लेमेंसी का synonym जल्दी से बताओगे किसको किसको पता है, what is a synonym of clemency है, empathy है, kindness है, sympathy है या फिर forgiveness है। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा kindness होना। क्लेमेंसी का मतलब empathy या sympathy नहीं होता, ठीक है, empathy और sympathy नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं, empathy और sympathy में फ़र्क क्या है। empathy का मतलब होता है आप किसी की भावनाओं को समझ सकते हो, है ना, इसके आप उसकी भावनाओं को फील कर सकते हो, दैट इज एम्पथी। और सिंपथी होता है कि मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, मुझे आपके लिए सिंपथी है, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। तो मगर क्लेमेंसी का मतलब होता है, मतलब एक तरह से परोपकार होना, क्लेमेंसी का मतलब होता है काइंडनेस होना, कन्फ्यूज मत होना, ना 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 एम्पथी, कई लोग स्टूडेंट एम्पथी कह रहे हैं ना, क्लेमेंसी का सिनोनिम होता है काइंडनेस होना, ओके, काइंड होना, दैट इज क्लेमेंसी। ओके, नेक्स्ट एम्पल का एंटोनिम क्या होगा, बहुत सिंपल वर्ड है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एम्पल, सम, मियागा, सिंपल या फिर बेयर, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एम्पल। एम्पल का मतलब होता है, एम्पल का मतलब जानते हो कि प्रचुर मात्रा, मीन्स अच्छा, एम्पल मीन्स सफिशिएंट होता है। तो सम है, मीगर है, सिंपल है या फिर बेयर है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एम्पल। एंटोनिम पूछा है आपका एम्पल का, तो एम्पल का एंटोनिम गाइस क्या हो जाएगा, एम्पल का एंटोनिम हो जाएगा मीगर, कमी, है ना गाइस। मीगर का मतलब होता है कोई चीज में कमी है, मीगर का मतलब होता है किसी चीज की कमी है, ओके। और सम सिंपल आप जानते हैं, बेयर का मतलब खाली होता है, एम्पल का मतलब बहुत ज्यादा और एंटोनिम हो जाएगा कम, ठीक है। चलो नेक्स्ट गाइस, ब्लास्फेमी, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्लास्फेमी, एग्जाम में कई बार भी ये वर्ड आ चुका है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का एंटोनिम क्या होता है, विकेडनेस होता है, वेनरेशन होता है, रेवरेंस होता है या फिर गॉडलीनेस होता है। तो गाइस, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का एंटोनिम क्या होगा। विकेट का मतलब होता है बैड, ठीक है, वेनरेशन का मतलब होता है, वेनरेशन और रेवरेंस, है ना गाइस, मतलब होता है आपका किसी का आदर करना, और किस रेवरेंस का मतलब हो जाएगा
ठीक है. गॉडलीनेस का मतलब होता है ईश्वरी ली से. तो ब्लास्फेमी का मतलब होता है, ब्लास्फेमी हम उसे कहते हैं जब हम किसी के बारे में स्पेसिफिकली, ब्लास्फेमी हम कहते हैं जब हम सैक्रेट चीज़ों की, स्पेसिफिकली जो सैक्रेट चीज़ें होती हैं उसके बारे में बुरा भला कहते हैं. जैसे उसे हम कहते हैं, उसके बारे में ब्लास्ट हो जाते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, दैट इज़ ब्लास्फेमी. तो इसका एंटोनिम आपका होगा आपका रेवरेंस, है ना गाइस. रेवरेंस का मतलब होता है पूजा करना, एक तरह से रेवरेंस का मतलब होता है आदर सम्मान, पूजा करना. और वेनरेशन का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना. वेनरेशन का मतलब रिस्पेक्ट होना, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही वर्ड्स हैं. मगर रेवरेंस का, रेवरेंस जो वर्ड होता है ज़्यादातर एक तरह से पूजा से रिलेटेड होता है, मतलब किसी की तरह आदर की तरह सर झुकाना, दैट इज रेवरेंस करना. ठीक है, तो ये आपके सैक्रेट चीज़ों से रिलेटेड होता है रेवरेंस, रेवर करना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एब्सटेन करना. वर्ड अभी कर चुके हो, गलत नहीं होना चाहिए, अभी पढ़ाया वाला वर्ड. एब्सटेन का सिनोनिम क्या होता है गाइस? स्पॉइल करना होता है, रिफ्रेन करना होता है, डिराइव करना होता है, या फिर आपको पुट ट्रबल, परेशान करना. रिफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना. रिफ्रेन करना मीन्स किसी चीज़ से बचना. डिराइव मीन्स जैसे आप लोग वैल्यू डिराइव करते हो, निकालना. डिराइव मीन्स निकालना, और स्पॉइल मीन खराब कर देना. तो आपका क्या हो जाएगा इस एब्सटेन का मतलब होता है आप किसी चीज़ से परहेज कर रहे हो. एब्सटेन का मतलब होता है आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, आप किसी चीज़ से बच रहे हो. एब्सटेन और रिफ्रेन के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, एग्जाम में कई बार आ चुका है इसलिए बता रही हूँ. एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम होता है, याद रखेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. एड, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एड? एड का एंटोनिम क्या होता है? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एड? डिप्राइव करना होता है, हिंड्रेंस होता है, डैम्पन होता है, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव होता है. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एड? एड का एंटोनिम क्या होगा? डिप्राइव मींस किसी चीज से वंचित करना. डिप्राइव करना मींस किसी चीज से वंचित कर देना किसी चीज को. हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, इंपीड करना. ओके, डैम्पन मींस किसी चीज को खराब कर देना, और ऑब्स्ट्रक्टिव अगेन मैं आपका मैंने बता दिया. तो हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्टिव या इंपीड करना, हिंड्रेंस मींस किसी को रोकना, और एड का मतलब है किसी को आगे बढ़ने देना, एड मींस हेल्प करना किसी को. तो यहां पे एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिप्राइव करना है, हिंड्रेंस है, डैम्पन है, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव है. तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है. तो करेक्ट आंसर इसका होगा हिंड्रेंस. एड का एंटोनिम हो जाएगा हिंड्रेंस, रुकावट, बाधा. ठीक है, रुकावट हो जाएगी, बाधा हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है. कभी कभार क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं कि आपको सेम सेम सिनोनिम डाल देते हैं, मगर आपका हिंड्रेंस भी ज़्यादा सही वर्ड है. हिंड्रेंस मीन्स रुकावट. एड का एंटोनिम हो जाएगा हिंड्रेंस. ठीक है, रुकावट. ओके, एक्सक्लूसिव का एंटोनिम, ये तो यार बहुत सिंपल वर्ड आ गया. एक्सक्लूसिव का एंटोनिम क्या होता है? एक्सपेंशन, इंक्लूसिव, इंसाइसिव, इंसिसिव, या फिर एक्सटेंसिव. ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड आ गया है. क्या होगा एक्सक्लूसिव का एंटोनिम? एक्सक्लूसिव का एंटोनिम आपको पता है, ये तो एक्सक्लूसिव, ये तो इंक्लूसिव है. एक्सक्लूसिव का डायरेक्ट एंटोनिम हो जाएगा इंक्लूसिव होना. एक्सक्लूसिव का डायरेक्ट एंटोनिम हो जाएगा इंक्लूसिव करना. लाइक नहीं कर रहे हो यार, लाइक भी कर दो. जितने भी स्टूडेंट्स आए सेशन को लाइक कर दो अगर आपको पसंद आ रहे हैं. मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एग्जाम के पहले आप लोगों के बहुत अच्छे मैराथन लेकर आऊँगी. अभी आपका सिनोनिम एंटोनिम का चल रहा है, आपका महामैराथन आएगा वन वर्ड का भी, और महामैराथन इडियम्स एंड फ्रेजेस, और महामैराथन आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स का भी आएगा. ठीक है, तो जब आपका अभी अल्टरनेट डेज में आएगा, तो जब आएगा आप रेडी रहिएगा. हम बहुत सारा वोकैब करेंगे एग्जाम से पहले. अनोमली गाइस, अनोमली का सिनोनिम क्या होता है? एनिहिलेशन होता है, अनार्की होता है, डिस्टर्बेंस होता है, या डिविएशन होता है. अनोमली का सिनोनिम क्या होता है? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अनोमली? अनोमली का सिनोनिम क्या होगा? एनिहिलेशन का मतलब, एनिहिलेट का मतलब होता है तबाही मचा देना, मतलब खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, एनिहिलेट कर देना. डिस्टर्बेंस आप जानते हो. अनार्की का मतलब होता है अराजकता. अनार्की का मतलब होता है अराजकता, जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, मतलब जहाँ पे रूल प्रॉपर नहीं है, तो उसे हम अनार्की कहते हैं. डिविएट का मतलब होता है भटक, डिविएट हो जाना मींस पथ विमुख हो जाना. तो अनोमली का सिनोनिम होता है डिविएट हो जाना. अनोमली का मतलब होता है डिविएशन मींस अब अलग कर देना, अलग हो जाना किसी चीज से, दैट इज अनोमली. ठीक है, नेक्स्ट, कैप्रीशियस का एंटोनिम क्या होता है? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कैप्रीशियस? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आता है. कैप्रीशियस का एंटोनिम क्या है? फर्म है, फिकल है, इनडेफिनेट है, या फिर एलिगेंट. एलिगेंट आप जानते हो कि वन इज वेरी एलिगेंट, तो पता ही आप लोगों को. इनडेफिनेट मींस कोई चीज़ डेफिनेट नहीं है, कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है, मतलब कि स्पेसिफिक नहीं है, तो उसको हम इनडेफिनेट कह देंगे, इनडेफिनेट नंबर्स कहते हैं. फिकल का मतलब होता है जो चीज़ अस्थिर होती है ना गाइस. फिकल का मतलब होता है जो चीज़ बदलती रहती है. ठीक है, कैप्रीशियस का मतलब होता है जो चीज़ें फिकल होती हैं, बहुत ज़्यादा बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, चेंजेबल है, जो बहुत जल्दी चेंजेस हो जाते हैं जिसमें, दैट इज कैप्रीशियस. ठीक है, और एंटोनिम हो जाएगा कोई चीज
स्टेबलेस्ट फर्म है, दैट इज आपका एंटोनिम हो जाएगा. तो कैप्रिशियस होना, फिकल, बोलते ना फिकल माइंडेड व्यक्ति कौन होता है, जिसका मन अभी, जैसे कि आपको पता ही है कई लोग होते हैं फिकल माइंडेड, अभी बोलेंगे मुझे ये अच्छा लग रहा है, अभी बोलेंगे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अभी अभी कोई चीज़ अच्छी लगेगी, कोई चीज़ लगेगी नहीं ये बहुत खराब है, तो इनका मन बदलता रहता है. तो फिकल माइंडेड पीपल होते हैं, कैप्रिशियस होते हैं, इनका मन में हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ मन बदलता रहता है. ठीक है, आपका नेक्स्ट वर्ड है आर्डर. आर्डर का सिनोनिम क्या होगा, इंतजाजम है, कैंडिडनेस है, डिसिप्लिन है, या फिर फेयरनेस है. फेयरनेस का मतलब आप जानते हो, कोई चीज़ फेयर है मतलब कि न्यायिक है, फेयर वहाँ पे फेयर है मतलब न्यायिक है. डिसिप्लिन आप जानते हो, कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है वन हु इज़ वेरी फ्रैंक, है ना गाइस. कैंडिड का मतलब होता है जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति होते हैं, जो कैंडिडनेस मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होना, कि जो चीज़ जैसे उसको वैसे बोल देना, है ना. कैंडिडनेस का मतलब होता है जो चीज़ जैसी उसको वैसी बोल देना, दैट इज कैंडिडनेस होना. और इंथुजाजम का मतलब होता है जोश, उमंग, उत्साह. ठीक है, कैंडिड इंथुजाजम का मतलब होता है एक्साइटेड होना. तो मैंने आपको इसको ट्रिक करवाया था कि जब भी आप कुछ ऑर्डर करते हो, याद आया जो स्टूडेंट्स उससे पढ़ चुके हैं उनको याद आ रहा होगा कि जब हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो बड़े आर्डर में रहते हैं कि अरे मेरा ऑर्डर आएगा, चाहे खाना वाना ऑर्डर करे हो, जोमैटो वोमैटो, तो बंदा बाया. तो ऑर्डर करने के बाद बंदा बहुत आर्डर रहता है, बहुत इंथुजाजम में रहता है, जोश उत्साह में रहता है कि अब मेरा ऑर्डर आया. मैंने आप लोगों को बहुत सारे वर्ड, ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार वर्ड ट्रिक से करवाए हुए हैं, वो तो अलग बात है कि अभी हम लोग को प्रैक्टिस करनी हो, मगर अब मैं जब मैं आपके लिए वोकैब सेशंस लाऊंगी तो आप ज्वाइन कर सकते हो. तो आर्डर का सिनोनिम हो जाएगा इंथुजियाज़म. एफ्रॉन्ट का सिनोनिम क्या होता है गाइस, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एफ्रॉन्ट? एग्जाइल होता है, कॉन्टूर होता है, एरप्शन होता है, या फिर इंडिग्निटी होता है. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एफ्रॉन्ट? एफ्रॉन्ट का सिनोनिम क्या होता है? इंडिग्निटी. डिग्निटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट, और इंडिग्निटी का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट होना, बेइज्जती होना. ठीक, फिर कॉन्टूर का मतलब होता है लाइनिंग. कॉन्टूर का लाइनिंग मतलब बाउंड्रीज होते हैं. कॉन्टूर्स का मतलब होता है किसी चीज़ की बाउंड्रीज होना. इरप्शन का मतलब होता है कोई चीज़ इरप्ट होके ऊपर, जैसे कि वोल्केनो इरप्शन होता है, मीन्स अचानक से बाहर निकलना, इरप्ट हो जाना. कोई चीज़ अचानक से बाहर निकलती है उसको इरप्ट होना कहते हैं. और एग्जाइल का मतलब होता है, मैंने अभी वर्ड बताया था, एग्जाइल या एक्सोडस, मीन्स एग्जाइल मीन्स किसी को, एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला. एग्जाइल करना मीन्स किसी को देश से निकाल देना, जैसे बाहुबली को निकाला था कि बेटा जाओ बाहर निकलो. तो एग्जाइल करने का मतलब है किसी को एग्जिट करवा देना परमानेंटली. ओके, तो एफ्रॉन्ट का सिनोनिम क्या होता है? एफ्रॉन्ट का सिनोनिम होता है इंडिग्निटी. एफ्रॉन्ट का मतलब होता है किसी के फ्रंट में जाके एक तरह से झगड़ा, उल्टी सीधी बातें हो जाना, इंडिग्निटी होना, इसने मेरी डिसप्रेस कि मैं नहीं जाऊँगा, इसने मेरे एफ्रॉन्ट कर दिया, इसने मुझे फ्रंट रो में जगह नहीं दी. शादी में ही होता है कि इसने मुझे फ्रंट रो में जगह नहीं दी, मैं नहीं जाऊँगा, इसने मेरी बेइज्जती की है तो मैं जाऊँगा ही नहीं, है. ये मौसे और फूफा लोगों का कॉमन डायलॉग रहता है, तो इनका बड़ा स्यापा चलता रहता है. ठीक, ऑगरी. ऑगरी का सिनोनिम क्या होता है? ऑगरी का सिनोनिम क्या होता है? प्लेस ऑफ रिफ्यूज, ऑल्टर, ओमन, या डिस्प्यूट. मुझे ये समझ में आता, लड़के लोग, लड़कियों की भले शादी हो करके वो ससुराल में इतनी रिस्पेक्ट, लड़कियां ससुराल में इतनी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करती, मगर लड़के ससुराल से इतनी रिस्पेक्ट क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जाऊँगा तो राजा बन जाऊँगा, तो लड़कियों को भी बना लेकर फिर घर की रानी है. लड़के लोगों का जो वो बन जाते हैं ना, जवाई बन जाते हैं, फूफा बन जाते हैं, उनका अलग ही होता है कि भाई मैं इस घर का राजा, मैं जाऊँगा तो सब एकदम पोछ के मुझे बिठाएं, तो ऐसे मेरा स्वैग होता है लड़कों का, तो ऐसे नहीं होना चाहिए. हाँ, रिफ्यूज का मतलब होता है प्लेस ऑफ रिफ्यूज, मीन्स जहाँ पे लोग शरणार्थी होते, शरण लेना. ऑल्टर का मतलब होता है चर्च, जहाँ पे आप ऑल्टर में, जहाँ पे प्रे करते हैं चर्च में, उसे ऑल्टर कहते हैं, जहाँ पे आप लोग आई डू करते हैं, जहाँ शादी वादी भी होती है. ओमन का मतलब होता है बेटा ये तो दिया बुझ जाना. हमारे इंडिया में ओमन का मतलब होता है दिया बुझ गया बेटा, आज तो कुछ बुरा होगा, बिल्ली रास्ता काट गई, आज तो कुछ बुरा होगा, तो इल ओमन होता है. डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा. तो ऑगरी, है ना गाइस, अगर आपकी बिल्ली रास्ता काट गई, अगर बिल्ली आपकी रास्ता काट गई तो वो आपके लिए क्या है? अगर आपकी बिल्ली रास्ता काट, आपकी बिल्ली नहीं, अगर बिल्ली आपका रास्ता काट गई है तो वो आपके लिए ओमेन है. अगर बिल्ली आपका रास्ता काट चुकी है तो वो आपका ओमेन है. एक्सपेक्टेशन होती है मैम इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते क्यों हो? बहुत ही अलग लेवल का एक्सपेक्टेशन होता है. गाइस सेशन को शेयर ज़रूर कर दो, आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दो कि क्लासेस ज्वाइन कर लें, तो सेशन को शेयर कर दीजिए प्लीज़. और जो भी स्टूडेंट्स नए आए चैनल में, पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस क्लास में, आप देख रहे हैं कि हम ऐसे ही कंटेंट पे पूरा काम करते हैं और बेस्ट टू बेस्ट कॉन्टेंट देते हैं. मैं आपको कोशिश पूरी जारी रहती है कि मैं आप लोगों को एग्जाम्स के पहले ऑलमोस्ट चीज़ें रिवाइज करवा दूँ. ठीक है, चलो. वेनरेशन का एंटोनिम क्या होता है? फियर होता है, रेवरेंस होता है, रिमोर्स होता है, या फिर डिसरिस्पेक्ट होती है. व्हाट इज द सिनोनिम, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वेनरेशन? अभी वर्ड पढ़ा हमने,
आप लोगों को आना चाहिए. अब भी वर्ड ये पढ़ा है हमने, आप लोगों को एंटोनिम आना चाहिए कि वेनरेशन का एंटोनिम क्या होगा. फियर होगा, रेवरेंस होगा, रिमोर्स होगा या डिसरेस्पेक्ट. डिसरेस्पेक्ट आप जानते हैं. रिमोर्स का मतलब होता है किसी का, हम मतलब कि रिमोर्स हम किसी के को रिमोर्स मीन्स रिग्रेट होता है. ओके नहीं, रिमोर्स मीन्स हम कि जब किसी को लाइक नहीं करते रिमोर्स उसे कह देते हैं. रिमोर्स इज रिग्रेट. मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, थोड़ा सा हो जाता है. रिमोर्स का मतलब होता है रिग्रेट करना. सॉरी, रिमोर्स का मतलब होता है बंदा जब रिग्रेट करता है, कि रिमोर्स मतलब रिग्रेटफुल हो जाता है. फिर आप जानते हैं वेन रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना. ठीक है, तो वेनरेशन रेवरेंस अभी मैंने आपको बताया रिस्पेक्ट है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट. रिमोर्स का मतलब होता है एक तरह से पश्चात, मतलब पछताना किसी चीज़ के लिए, रिग्रेट करना, दैट इज रिमोर्स. ठीक है, याद रखना. रिमोर्स का मतलब होता है कि अरे यार थोड़े से और पैसे कमा लेता, थोड़े से और मार्क्स लेता. तो मोर के चक्कर में इंसान बहुत रिमोर्स करता है, ऐसे याद करना. मोर के चक्कर में इंसान बहुत रिमोर्स करता है कि यार बस थोड़े से पैसे और कमा लेता, तो उसका पछतावा हो जाता है कि